अक्सर हम अपने गार्डन की, बागों की, खेतों की सफाई करते वक्त बहुत सी घासों को उखाड़ के फिकवा देते हैं, और जिन घासों को हम बेकार और खराब समझते हैं, उन घासों में बहुत सी घासें ऐसी होती हैं जो ऐसे असाध्य रोगों में काम आती हैं जिनके हम खुद ही रोगी होते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक घास के बारे में बात करने वाले जो कि हमारे गार्डन में, बागों में अक्सर उग जाया करती है, जिसे हम अक्सर सफाई करते हो तो उखाड़ के फेंक देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा औषधीय गुण भरे होते हैं। ये है दूधी घास। इसकी दो प्रजातियां होती है, बड़ी और छोटी दूधी घास। ये यूफोर्बिया जीनस से बिलोंग करता है। हमारे गार्डन में यूफोर्बिया जीनस के बहुत से पेड़ होते हैं जिन्हें अपने गार्डन में खुशी खुशी ऐड करते हैं। उसी जीनस का ये प्लांट भी है। इसे दूधी घास कहते हैं। इसे अस्थमा प्लांट, दूधी घास, दूधिया, दोधक, अंग्रेजी में इसे थाइम लीव्ड स्पर्ज कहते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, और अगर आपके यहाँ के लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से जाना जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्थान का नाम और आपके यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो जरूर बताएं, जिससे और लोगों को भी मदद मिल सके इसे पहचानने में। उसे पहचाना बहुत ही आसान है। अक्सर ये घास खेतों में, बगीचों में आसानी से देखी जा सकती है। ये जमीन पर फैली हुई होती है और इसके पत्ते इस तरह से होते हैं। इसमें बड़ी और छोटी दो प्रजातियाँ होती हैं। दोनों को पहचाना बहुत ही आसान है। दोनों की टहनियों को जैसे आप तोड़ेंगे उसमें ढेर सारा दूध निकलना शुरू होता है, और यही वजह है कि इसे दूधी घास भी कहा जाता है। वैसे तो दूधी घास के बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे भी बात करने वाले, लेकिन अगर आप पेट से जुड़े हुए रोगी हैं, किसी भी तरीके से आपकी समस्या पेट से जुड़ी हुई है, तब आपके लिए ये घास रामबाण है। पेट के रोगियों को सुबह खाली पेट लगभग 10 ग्राम दूधी घास ऐसी ताजी तोड़ लें आप, उसे पानी के साथ खाली पेट ले लें आप, कुछ दिनों के बाद ही आपकी पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी दूर हो जाएगी। आप प्रयास ये करें कि खाली पेट और ताजी दूधी घास का आप प्रयोग करें। अगर आपको ताजी दूधी घास नहीं मिल पाते, जहां भी आपको दूधी घास मिले या कोई आप दुकानों पे भी ये दूधी घास बिकती है, आयुर्वेदिक दुकानें होती है, वहां पे आपको दूधी घास के चूर्ण मिल जाएंगे। चूर्ण को ला करके आप सुबह खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या से बहुत टाइम से कब्ज रह रहा है, आंत में आपकी सूजन गर्मियों में अक्सर हो जाती है, ज्यादातर लोगों को गर्मियों में खान पान की वजह से अक्सर रात में सूजन हो जाती है, अतिसार की समस्या है, पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है इसमें, अगर आपको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, तब आप दूधी घास के 10 ग्राम सुबह खाली पेट लें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस पौधे को अस्थमा प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि दमा यानी कि सांस के रोगियों को भी इस प्लांट से बहुत लाभ देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे कोई सांस का रोगी है, आप इसकी पत्तियों को तोड़ लें, इसका रस निकाल लें, शहद के साथ मिला करके उसे सुबह शाम दें, या फिर अस्थमा के मरीज को दूधी घास के काढ़ा बना करके भी आप दे सकते हैं। किसी को खांसी बहुत लंबे समय से रह रही है, उसे भी दूधी घास के काढ़े को आप दे सकते हैं। आप पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ लें, पंचांग बोलते हैं, पूरे के पूरे पेड़ को धुल के काट के उसे आप काढ़ा बना लें, आप उस रोगी को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी को नक्सीर यानी कि नाक से खून बहने की समस्या अक्सर बच्चों में गर्मियों में देखने को मिल जाती है, नक्सीर की समस्या है, इसके रस के को मिश्री के साथ मिला करके दें, उसे लाभ देखने को मिलेगा। कई बार एक गोला सा घेरा बन करके हमारे सर में गंजापन शुरू हो जाता है। अगर आपके किसी जानने वाले के सर में इसी तरह से गंजापन शुरू हो गया है, तब आप दूधी घास के रस को कनेर के पत्ते के रस के साथ मिला करके वहाँ पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद आप धुल लें, जल्द ही आपको वहाँ पे नए बाल उगते हुए दिख जाएंगे। लगाते वक्त इतना ख्याल रखें कि वो रस जो है आपकी आंखों में ना पड़ने पाए। किसी को अगर मुहासे की समस्या है, मुहासे की समस्या भी अक्सर पेट के रोग के कारण ही होती है। किसी को अगर मुहासे की समस्या है, उससे आप दूधी घास सुबह सुबह खाने को दें, उसके साथ ही साथ दूधी घास का रस उसके मुहासे वाले स्थान पर लगाएं, जो मुहासे हैं वो खत्म हो जाएंगे और उनका निशान भी नहीं बनने पाएगा, और सुबह के कुछ दिनों के प्रयोग के बाद नए मुहासे भी नहीं देखने को मिलेंगे। किसी को अगर पेचिस की समस्या हो रही, उसे आप ताजी दूधी घास की पत्तियों के साथ बहुत थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी मिला करके दें, पेचिस में बहुत तेजी से आराम देखने को मिलता है। किसी को अगर शारीरिक कमजोरी है, उसे भी आप सुबह सुबह दूधी घास को दें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। खुजली वाले स्थान पे आप दूधी घास के रस को गाय के मक्खन के साथ मिला करके लेप लगा दें, बहुत जल्द ही खुजली वाला स्थान ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये घास देखने को मिले, उसे वहां से उखाड़ करके किसी साफ सुथरी जगह पे लगा दें, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसकी पत्तियों को तोड़ करके इसका प्रयोग कर सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।